हुण खबरां विस्थार नाल। मूसेवाला कतलकांड विच पुलिस दी ढिल्ली कारगुजारी ते सवाल उठ रहे ने। कतल तो बाद मानसा विच लुके सन बोलेरो सवार शूटर। दो मॉड्यूल सन जिवें बोलेरो ते करोला, ते जो बोलेरो विच सवार सन शूटर उत्थे ही लुके होए सी। दिल्ली पुलिस तो बाद पंजाब पुलिस दी चार्जशीट विच एक खुलासा होया। पिंड जवारके तो 10 किलोमीटर दूर पिंड ख्याला विच ए शूटर लुके हुए सन, ते हुण 30 मई नूं इन्हां ने सिद्धू मूसेवाला दे कतल दी वारदात नूं अंजाम दिता। चार्जशीट विच मानसा पुलिस दी लापरवाही भी सामने आई है। प्रेवरत फौजी ते केशव ने पुछगिछ दौरान एक खुलासा किया है। पुख्ता नाकेबंदी की होंगी तो उस वेले गिरफ्त विच ए मुलजम होने सन। मूसेवाला कतलकांड विच पुलिस दी हुण ढिल्ली कारगुजारी ते सवाल उठने शुरू हो गए ने, क्योंकि सरहदी सूबा पंजाब उस समय हाई अलर्ट ते सी, ते 29 मई नूं इस तरह दी वारदात नूं अंजाम दे जांदे ने। कतल तो बाद मानसा विच ही बोलेरो सवार शूटर लुके हुए सन, ते फिर भी पकड़ विच इन्नी लेट आए। दिल्ली पुलिस तो बाद पंजाब पुलिस दी चार्जशीट विच एक खुलासा होया। पिंड जवारके तो 10 किलोमीटर दूर पिंड ख्याला विच ए शूटर लुके हुए सन। पिंड जवारके विच 29 मई नूं सिद्धू मूसेवाला दा गोलियां मार के कतल कर दिता गया सी। ते लगातार इस मामले विच खुलासे हो रहे ने। चार्जशीट जो दायर की गई उस विच खुलासे हो रहे ने। साडे सहयोगी नवदीप वधेरी जानकारी देण लई साडे नाल जुड़ गए ने। जी नवदीप, किवें वेख्या जावे चार्जशीट विच लगातार खुलासे हो रहे ने, ते इत्थे पुलिस दी ढिल्ली कारगुजारी भी सामने आई है। महज 10 किलोमीटर दूर ही ए शूटर लुके हुए सन। जी बिल्कुल नीलम, दसना चाहांगा कि मानसा पुलिस दी ढिल्ली कारगुजारी मानसा पुलिस दे कागज ही बयान कर रहे ने। जो मानसा पुलिस ने अदालत विच चार्जशीट फाइल कीती है, उस चार्जशीट विच प्रियावत फौजी अते केशव दी जो पुछगिछ हुई है, पुछगिछ च उन्होंने दस्सिया कि सिद्धू मूसेवाला नूं कतल करन तों बाद जद उह बप्पियां तों रस्ता भटक के ख्याला मानसा कैंचियां दे कोल पहुंची है, जिथे उन्होंने अपनी बलैरो गड्डी है जिहड़ी छड्डी है, तां छड्डन तों बाद ਉਹ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਇੱਕ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਨ ਟੱਪ ਕੇ ਲੁਕ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਿਆਵਤ ਫੌਜੀ ਨੇ ਕੇਸ਼ਵ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਹੈ ਮਾਨਸਾ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕੇਸ਼ਵ ਦਾ, ਔਰ ਕੇਸ਼ਵ ਆਪਣੀ ਅਲਟੋ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਗਿਆ ਸ਼ੂਟਰ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਨੀਲਮ, नवदीप, सरहदी सूबा पंजाब ते उस समय दी गल कीती जावे तां सुरक्षा भी हटाई गई सी काफी मंत्रियां दी, इस तरह सिद्धू मूसेवाला दी वी, ते नाकेबंदी हर जगह सी। उस वक्त हथियार लेके ए शूटर दाखल हुंदे ने सूबे विच, पर कोई कारवाई नहीं हुंदी, किसी नूं पता नहीं लगदा कि इस तरह दे हथियार सूबे विच आए ने। बिल्कुल, ए बहुत बार आपां चर्चा पहलां भी कीती है वी जिहड़े शूटर है पिछले 4-5 दिनां तों लगातार है जिहड़ा सिद्धू मूसेवाला दी रैकी कर रहे सी, हथियार बंद नाल सीगे, पर किसी ने भी उन्हां दी किते भी उन्हां दी तलाशी नहीं हुई, किते भी वो चैकिंग नहीं हुई, फेक नंबर लगा के वो लगातार जिहड़ा घूमदे रहे ने। उस तों बाद एड्डी वड्डी घटना नूं अंजाम दित्ता जिस नाल जिते सरकार की अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते जिहड़ा इन्ना शोर पिया, पर मानसा पुलिस वल्लों सिद्धू मूसेवाला दे कतल तों बाद जिहड़ा मानसा नूं जिहड़ा सील करन विच देरी कीती है, जिस कारण जिहड़ा शूटर है जिहड़े मानसा नूं छड्ड के बाहरले सूबियां विच चले गए आ। इस मानसा पुलिस दी बहुत वड्डी लापरवाही इस चार्जशीट तों पता लगदा है कि मानसा पुलिस ने जिहड़ी बॉर्डरां नूं सील करन विच देरी ने ही जिहड़ा शूटरां नूं दूजे सूबियां विच भेजण लई मजबूर कर दित्ता। अगर मानसा पुलिस ने तुरंत ही बॉर्डरां नूं सील कीता हुंदा तां शायद कुछ ही घंटिया बाद जिहड़े मानसा विच ही जिहड़े शूटरां नूं दबोचिया जा सकदा सी, जो मानसा पुलिस दी बहुत वड्डी नलायकी सामने आई है। जी नवदीप, ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਫਜ਼ੀਅਤ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ
दिल्ली भी फजीयत इसे लिए हुई क्योंकि मानसा पुलिस वालों जिहड़ा अपना वर्क ऑर्डर नहीं किया गया सी इस कारण दिल्ली तो जिहड़ा वापस आना पिया सीगा क्योंकि मानसा पुलिस ने इत्थे उत्थे जल्दबाजी की सी क्योंकि किते ना किते उत्थे सरकार वल्लों कोई इशारा सी इस कारण दिल्ली पंजाब पुलिस जल्दी च गई सी अपना होमवर्क नहीं करके गई सी तां फजीयत दा सामना करना पिया सी। इत्थे मतलब दी लापरवाही है क्योंकि मानसा पुलिस वल्लों अपना काम समय सिर नहीं किया गया। मान अगर सिद्धू मूसेवाला नूं कतल करन तों बाद मानसा जिले नूं सील किया जाता प्रोपर कली कली गड्डी नूं चैक किया जाता तां शूटरां नूं मानसा चों बाहर निकलण दा मौका नहीं मिलना सी और कुछ ही घंटिआं च जिहड़े शूटरां नूं गिरफ्तार किया जा सकता सी। जी नवदीप, तीन महीने तो ज्यादा का समा हो गया, 29 मई को पिंड जवारके विच इस कतल की वारदात को अंजाम दिता गया पर हुण तक इंसाफ नहीं, पर खुलासे लगातार हो रहे हैं, गैंगस्टरां दे नां लगातार सामने आ रहे हैं क्योंकि शुरुआती जांच विच जो नां सामने आए थे होर भी उस दे विच एडिशन हो रही है। जी बिल्कुल तकरीबन 34 के करीब व्यक्तियों के खिलाफ जिहड़ा मानसा पुलिस वालों चार्जशीट फाइल की गई है, 12 के करीब जिहड़े व्यक्ति ने गिरफ्तार होने हैं, 4 जिन्हां विचों विदेश च सी और एक सज्जन थापन दे गिरफ्तारी का पता लगे कि उन्हें विदेश में गिरफ्तार किया गया। हजे हुण जिस तरह सिद्धू मूसेवाला के परिवार ने पहला भी कैंडल मार्च करके इंसाफ की मांग की और उन्होंने कहा कि जो तक उन्होंने बेटे को इंसाफ नहीं मिलता वो चुप करके नहीं बैठेंगे, उन्होंने सरकार से सवालिया निशान खड़े किए कि सरकार वालों हजे तक नहीं दसाया गया कि उन्होंने पुत्र को सिक्योरिटी क्यों घटाई गई थी, किस अधिकारी के कहने से घटाई गई थी और सरकार ने उसके खिलाफ की कार्रवाई की है, किसी ना किसी परिवार को सरकार ऊपर गिला सरकार की कार्यशैली से सवाल खड़े किए। पिता ने यह भी कहा कि ये शूटर है जिहड़े सरकार के बराबर सरकार चला रहे हैं और सरकार शूटर अपना गैस समझ रही है और उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया जा रहा, ब्रांडेड टी शर्टा पा के जिहड़ा वो पेशियां से आ रहे हैं, उन्होंने सामने जरूर आने ने। मूसेवाला कतलकांड विच पुलिस दी ढिल्ली कारगुजारी ते सवाल इत्थे उठने शुरू हो गए ने क्योंकि 4 शूटर कतल तो बाद भी मानसा विच लुके हुए सन।